मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है, जहां गणेश झांकी निकालने के दौरान डांस करने को लेकर एक युवक का विवाद तीन बदमाशों से हो गया था, जिसके बाद उन तीनों ने मिलकर युवक को चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मामला मोधापारा थाना क्षेत्र का बताया गया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक सोमवार रात को भगवान गणेश की झांकियां शहर के शारदा चौक के पास से निकाली जा रही थी। इन झांकियों में राजा बाल गणेश उत्सव समिति की झांकी भी शामिल हुई थी, जिसमें मनीष साहू नाम का एक युवक भी शामिल था। बताया जा रहा है कि झांकी एमजी रोड स्टेट बैंक के पास पहुंची थी, तभी कुछ बदमाश वहां पहुंच गए और डांस करने लगे थे। यही देखकर मनीष साहू नाराज हो गया और उसने तीनों का विरोध किया। इसी विरोध से तीनों नाराज हुए, वहीं उन्होंने चाकू निकाला और मनीष पर हमला कर दिया। हमले में मनीष घायल हो गया है। तभी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में दीपक साहू, ठाकुर श्याम साहू और ओंकार साहू को गिरफ्तार किया है। पिछले एक सप्ताह में जो चेकिंग कार्रवाई की जा रही थी, उसमें लगभग 350 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, जिनको जेल दाखिल किया गया है। गणेश विसर्जन के दिन चेक करने पर लगभग 20 लोगों के खिलाफ आर्म सेक्टर के कार्रवाई की गई है, जिनके पास से चाकू बरामद हुआ है। उस दिन एक घटना हुई थी मोधापारा थाना क्षेत्र में एमजी रोड में एक व्यक्ति को चाकू मार दिया था अज्ञात लोगों ने, जिस पर तत्काल पत्रसाजी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।